हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 8 के जितने भी चैप्टर्स की वीडियो हमने बनाई है उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 6 और क्लास 7 बुक आर एस अग्रवाल के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 6 और क्लास 7 की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लास 6 और क्लास 7 की प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4B में हमने क्या निकालना है, क्यूब को ही निकालना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, शॉर्टकट मेथड यूज करना है जो आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम शॉर्टकट मेथड को देखते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या है स्टूडेंट्स, शॉर्टकट मेथड जो आपकी बुक में दिया गया है वो क्या दिया गया है, a+b का होल क्यूब। ठीक है, अब a+b का होल क्यूब क्या होता है, मतलब कि a+b को आप 3 times मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, a³ + 3a²b + 3ab² + b³। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप a+b का जो फार्मूला क्या होता है ये आप आगे सीखेंगे भी, कि हमने a+b की क्यूब का फार्मूला कहता है a³ + 3a²b + 3ab² + b³। अब स्टूडेंट, ये किस तरह है कि आपने क्या करना है, जैसे a+b है इसको आपने 3 times मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो a+b को पहले आपने इन दोनों को किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, a²+b² + 2ab आ जाएगा। फिर जितना आएगा उसको हमने a+b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास a³ + 3a² + 3ab² + bq आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें इस फार्मूले को बेस पे यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर 4 boxes बनाने हैं, 4 columns बनाने हैं। ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, 1 column, 2nd column और 3rd column। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्या है, जो जो यहां पर हमने क्या लेना है, a² लेना है, सबका जो है स्क्वेयर लेना है, चाहे b हो चाहे a हो, अकॉर्डिंग टू आपके जो बुक में दिया हुआ है फॉर्मूला। तो यहां पर हमने क्या करना है, जैसे a³ है तो ये क्या हो गया, a² × a, मतलब कि तो ये क्या हो गया, a² + 1, a³ आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे a² × a, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a³ आ जाएगा। पहले इस फॉर्मूले को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3a²b। अब स्टूडेंट, यहां पर हमने a² यहां पर लिख दिया तो हमारे पास क्या रह गया, 3b, तो मल्टीप्लाई 3b, तो हमारे पास क्या आया, 3a²b। सेम आया ना ये वाला। ठीक है, पहले हम इस फॉर्मूले को समझेंगे फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, 3ab², तो b का स्क्वायर है, तो b का स्क्वायर हम यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाई 3a, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3ab². अब यहां क्या है, b का क्यूब है, तो सेम जैसे हमने यहां पर किया था, b² × b, तो हमारे पास क्या आ गया, b³। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आई होप ये आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा, अगर नहीं आ गया है तो हम क्वेश्चन को करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन 1 क्या है स्टूडेंट्स, 25 का क्यूब, हमने 25 का क्यूब निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 2 है इसको हम मान लेंगे ए, ठीक है, और जो 5 है इसको मान लेंगे हम बी, मतलब कि जो टेंस प्लेस में डिजिट होगा उसको मानेंगे हम ए, a=2, और जो ये यूनिट प्लेस में जो वंस प्लेस में है उसको मानेंगे हम b, तो हमारे पास आ गया b=5। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लिखना है। देखो स्टूडेंट्स, आप अगर ये वाले फॉर्मूला के ऊपर भी अगर डिजिट्स लिख के करोगे तब भी आपका आंसर सही आएगा, पर क्या है कि इससे जो है थोड़ा लेंथी हो जाता है, जैसे 3a²b, तो ये जो चीज है आप यहाँ पर इसको लेके करोगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है ना, अभी मैं करके दिखाती हूँ आपको, ये मैंने ये कॉलम बना देने, ये 4 columns बना देंगे हम, 1 2
थ्री फोर। अब हमने ऊपर वाले जो ये लिखे हैं फॉर्मूले इनको लिखने हैं, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। अब ए स्क्वायर है, अब ए हमने क्या लिया, टू लिया यहां पर, तो टू का स्क्वायर क्या होता है? देखो स्टूडेंट, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे टू का स्क्वायर आया, ए की जगह हमने क्या लिखा, टू लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, तो इसका मतलब है कि जो यहां पर जो डिजिट है उसको हमने टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो टू टू जा फोर आया, तो यहां पर क्या जाएगा, इन टू टू, ए क्या हमारे पास टू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ए स्क्वायर इन टू थ्री बी। अब ए स्क्वायर मतलब कि क्या आएगा, टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा, फोर इंटू थ्री इंटू बी हमने क्या माना है, फाइव माना है, तो बी की जगह हमने फाइव लिख दिया, ठीक है, राइट। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, बी स्क्वायर इंटू थ्री ए। अब बच्चों यहाँ पर बी का, बी क्या है, फाइव, इट मीन्स फाइव का स्क्वायर, तो फाइव इंटू फाइव हमारे पास कितना आ गया, 25। मतलब कि स्क्वायर का मतलब जहां पर जितनी यहां पर पावर होंगी उतनी बार हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, 25 मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई और ए की वैल्यू क्या है, टू, यहां पर हमने टू लिख दिया। अब यहां पर क्या है, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी। अब स्टूडेंट बी क्या है, फाइव, फाइव स्क्वायर क्या होगा, 25 इंटू फाइव, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये कॉलम मैं थोड़े से यहां पर बड़े कर देती हूँ ताकि अच्छी तरह हमें ये क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब हम 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 2 10 प्लस 2 125 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने किया 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 25 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर दो जिस तरह आपको ईजी लगता है। जैसे हमने 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 50 आया, ठीक है। अब 50 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 150। अब यहाँ पर कितना आ गया, 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 4 2 जा 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, जो यूनिट नंबर है उसको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 125 है, यूनिट नंबर के नीचे आपने डैश का साइन लगाया और जो 12 है इसको हमने इस साइड ऐड कर देना है, प्लस 12 कर दिया, ठीक है। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 261। अब यहां पर जो यूनिट नंबर है इसके नीचे हम डैश का साइन लगाएंगे, अब जो 16 है इसको नेक्स्ट उसमें जो है कॉलम में ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 76 आ गया, ठीक है। अब हमने इस 6 को क्या करना है, यहां पर रखना है और ये 7 हमारे पास यहां आ जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर 15, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया, अब हम इसका नंबर लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स आपने क्या किया है, जो जहां पर जो साइन लगाए ना सिर्फ वो वाले डिजिट्स लेने हैं, जो लास्ट वाला कॉलम है, जो फर्स्ट वाला कॉलम है, उनके हमने पूरे डिजिट्स लेने हैं। जैसे 8 प्लस 7 15 आए, आगे कोई डिजिट नहीं है ना, तो हम यहां पर पूरा डिजिट उतारेंगे 15। अब यहां का यूनिट यूनिट नंबर उतार लेंगे 625। तो 25 का क्यूब हमारे पास कितना आ गया, 15625, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपने ये जो है क्वेश्चन वन को सॉल्व करना है। अब हम, अगर आपको फिर भी यहाँ पर नहीं समझ आया तो हम क्वेश्चन टू सॉल्व करते हैं, उसको उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन टू हमारे पास क्या है, 47 का क्यूब, राइट। अब स्टूडेंट्स पहले हम इनको कर देते हैं, ए जो टेंथ प्लेस में जो नंबर होता है उसको हमें ए लेना है और जो वंस प्लेस में उसको हम बी लेंगे। ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 7। मतलब आप ये भी कह सकते हो, अगर फर्स्ट डिजिट है उसको हम ए मानेंगे और सेकंड डिजिट है उसको हम बी मानेंगे, ठीक है। अब हमने ये, आपको जो फॉर्मूला है ये आपको याद करना पड़ेगा, बट आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप कई सम्स निकाल सकते हो। आप ऐसे करना, जैसे ये चार सम्स सॉल्व कर लिए, उसके बाद आप जो उसमें दिए हुए हैं, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल में दिया है वो सॉल्व करना है। आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपके पास आंसर इस तरीके से आराम से निकल आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, 4 कॉलम्स बना लेने हैं, 2 3 4, राइट। अब यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर, ए था, ए क्यूब था यहाँ पर, ए स्क्वायर इंटू ए, यहाँ पर हमारे पास था ए स्क्वायर, मतलब 3 ए स्क्वायर बी था, तो इंटू 3 बी, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे,
जितना आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स आपको उतना ही इजी लगना शुरू हो जाएगा। ये मैंने लिख लिया। ए क्या है हमारे पास? फोर। फोर का स्क्वायर क्या होता है? अब आपने यहाँ पर क्या है, फोर का स्क्वायर नहीं लिखना, सीधा आप यहाँ पर आंसर लिखो। फोर का, ए की जगह फोर लिखा, फोर का स्क्वायर क्या होता है? फोर फोर जा 16, मतलब कि फोर को हमने टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 16 मल्टीप्लाई फोर। ठीक है, अब हम हमारे पास ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है? 16 मल्टीप्लाई 3 इंटू बी क्या है? 7। बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हमारे पास क्या है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 इंटू 3 इंटू ए क्या है हमारे पास? 4। मतलब वो वैल्यू पुट कर देनी है जो आपने माना है। अब बी स्क्वायर यहाँ पर क्या है? 7 का स्क्वायर क्या है? 49 इंटू 7। ठीक है, ये हमने लाइन लगा दी यहाँ पर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 63, 3 4 कैरी, 7 4 जा 66 कैरी, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 हमारे पास कितना आ गया? 34, 343 आ गया। वैसे भी 7 का क्यूब क्या होता है? 343 होता है। अगर स्टूडेंट्स अगर आप क्यूब याद भी कर सकते हैं ना, जैसे 15 तक कर लो याद या 20 तक, जितना आपको इजीली कर सकते हो, वैसे आप जितना सम्स को सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपको क्यूब भी याद होते जाएंगे। तो 7 का क्यूब हमारे पास कितना होता है? 343। अब हमने 49 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आप इस तरह कर सकते हैं, 3 9 27, 7 1 कैरी, 3 4 12 प्लस 1 13, और फिर 137 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28 8 2 कैरी, 4 3 12 प्लस 2 14, 4 1 कैरी, 4 1 4 प्लस 1 5, तो कितना आ जाएगा? 548 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने करना है 16 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 48 आया। 48 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56, 6 5 कैरी, और 7 4 जा 28, और प्लस 5 कितना आएगा? 336 आ जाएगा। 336 आ गया, और यहाँ पर 4 का क्यूब कहता है 64, मतलब 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64 आ गया। अब आपने क्या करना है, यूनिट नंबर को छोड़ देना है यहाँ पर। ठीक है ना, हमेशा आपने ये राइट साइड से स्टार्ट करना है। अब जो ये 34 का है इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। अब करेंगे 8 प्लस 4 12, 2 1 कैरी, 5 3 8 582 आ गया। इसका हमने यूनिट नंबर छोड़ दिया, 58 को यहाँ हमने ऐड कर दिया। 8 प्लस 6 14, 4 1 कैरी, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 394। इस यूनिट नंबर को हमने यहाँ पर छोड़ दिया, डैश लगा देना है, ठीक है, ताकि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होती। और 39 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो 9 प्लस 4 13, 3 1 कैरी, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, तो ये हमारे पास नंबर आ गया। ठीक है, अब आपने 47 का क्यूब लिखना है। तो मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट कॉलम है उसमें जो डिजिट आया, क्योंकि ये यहाँ पर हमने नेक्स्ट कैरी ओवर नहीं किया, यहाँ पर हमने ये कैरी ओवर कर दिया, यहाँ पर 34 को ऐड कर दिया है ना, तो यहाँ पर ये जो डिजिट है यहाँ कंप्लीट पूरा उतारेंगे 103, और सबका हम यहाँ पर ये लाइन लगाई है ना, डैश का साइन लगाया, उसको हमने उतारना है सिर्फ 423। तो 47 का क्यूब हमारे पास कितना आ गया? 10 यहाँ पर गलती हुई, 8 6 48 होते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 398 आया है। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, देखो ये अभी अचानक मैंने इसको देखा तो यहाँ पर 4 था। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आया? 8 आया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 103823। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं 68 का क्यूब। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट नंबर को मान लिया ए, और जो सेकंड नंबर उसको मान लिया हमने 8। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कॉलम बनाने हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने ना खुला स्पेस लेना है, जितना आप खुला करोगे ना उतना आपके इजीली आपसे हो पाएगा। ये मैंने चार कॉलम बना दिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू 3b और बी स्क्वायर इंटू 3a बी स्क्वायर इंटू बी, ये मैंने फार्मूला को लिख दिया जो शॉर्टकट मेथड है। अब स्टूडेंट्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हमने a माना क्या है? 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 6 इंटू 6 36 36 इंटू 6। ठीक है, अब
आपको समझ आ गया तो आप साथ साथ ना यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताया 6 6 36 6 3 कैरी, 6 3 18 प्लस 3 216, मतलब 6 का क्यूब भी 216 होता है। अब ए स्क्वायर 36, ठीक है, इंटू 3 इंटू, अब हमारे पास बी क्या है, 8 है। अब हमने 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 6 18, 8 1 कैरी, 3 3 9 प्लस 1 10 आ गया। अब 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 8 64, 8 1 8, तो हमारे पास क्या आ गया इसका, 864। अगर आपको समझ आ गया तो आप साथ साथ फार्मूला लिख के अगर तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं मतलब आप अगर फार्मूला नहीं भी लिखोगे तब भी है, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप फार्मूला लिखें। फार्मूला लिखने से क्या होता है कि फार्मूला हमें बार बार अपने माइंड में यूज, मतलब कि इसको रिपीट करेंगे तो ये हमें मतलब एक किस्म से याद हो जाता है फार्मूला। अब बी स्क्वेयर क्या है, बी स्क्वेयर मीन्स 8 का स्क्वेयर, 8 × 8 कितना होता है, 64। 64 इंटू 3 इंटू, अब हमारे पास ए क्या है, 6 है। अब 64 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 6 18 प्लस 1 192। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, 2 1 कैरी, 6 9 54 प्लस 1 55, 5 1 कैरी, सॉरी 5 55 कैरी, 6 1 6 प्लस 5 11। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 1 1 5 2। अब बी का स्क्वायर, यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 इंटू 8। अब स्टूडेंट 8 का क्यूब क्या होता है, 512। आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 8 4 32, 2 3 कैरी, और 8 6 48 49 50 51, ठीक है, 512 आ गया। अब हमने क्या करना है, जो यूनिट नंबर है यहाँ साइन लगाया, और जो नंबर रह जाते जितने भी नंबर रहेंगे उसके हम आगे कैरी कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, 51। अब यहाँ पर हम ऐड किया, 2 + 1 3, 5 + 5 0, मतलब 10 आया, 0 1 कैरी, तो 2 1203 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ का हमने क्या किया, 3 लिया और जितने भी सारे डिजिट थे, 120 था यहाँ पर, इसको हमने ऐड कर, सिर्फ यूनिट नंबर के नीचे आपने ये डैश का डैश लगाना है, ठीक है। अब इनको हम ऐड करेंगे, 4 6 + 2 8 984। अब ये 4 हमने यहाँ पर लाइन लगा दी और जो नंबर बच गया उनको यहाँ पर कैरी कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब हम इनको ऐड करेंगे, 8 + 6 14, 4 1 कैरी, 9 10 11, तो यहाँ पर आ गया 314। अब हम लिख देंगे 68 का क्यूब क्या होता है, ये हमने पूरे डिजिट उतारने हैं, 314, क्योंकि ये कैरी नहीं हुए, और हमने यूनिट नंबर के डिजिट उतार लेने जिसके नीचे हमने डैश लगाया, 432। तो 68 का क्यूब क्या आ गया हमारे पास, 314432। अब हम क्वेश्चन 4 करेंगे, क्वेश्चन 4 का 84 का क्यूब। अब स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से अब तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, अब स्टूडेंट आप ना खुद भी वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसको, करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, फोर कॉलम्स बनाए, थोड़ा स्टेडी लग, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर फर्स्ट डिजिट है उसको एट है, उसको ए मान लिया, और सेकंड डिजिट को हमने 4 को बी मान लिया, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला लिख लेते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, अब ए स्क्वायर इंटू 3 बी, बी स्क्वायर इंटू 3 ए, बी स्क्वायर इंटू बी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई नहीं लगाई, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, अगर हमारे पास एक अल्फाबेट दिया हो और एक हमारे पास डिजिट दिया हो तो हम उसको उनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब एक है, 8 है, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, यहाँ पर 64 इंटू 8, या साथ साथ करना चाहते हैं साथ साथ कर लो, अगर बाद में करना चाहते हैं तो बाद में कर लो। तो ए, अब 8 का क्यूब क्या आता है, 512, तो यहाँ पर हमने 512 कर लिया, या मल्टीप्लाई कर दो अगर आपको याद नहीं है। ए का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64
इंटू थ्री इंटू यहाँ पर बी क्या है, फोर है। अब 64 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 फोर ज़ा 12, 2 वन कैरी, 3 सिक्स ज़ा 18 प्लस 1, 192 आया। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू ज़ा 8, 4 नाइन ज़ा कितना होता है 36, 6 3 कैरी, 4 वन ज़ा 4 प्लस 3, 768 आ गया। अब b का स्क्वायर, अब b क्या है यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 4 16 आएगा, 16 इंटू 3, अब a की वैल्यू क्या है 8, ठीक है। अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 48, और 48 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 एट जा 64, 4 6 कैरी, 8 फोर जा 32 प्लस 6 38, तो कितना आया 384 आ गया। अब b का क्यूब, अब b क्या है 4, 4 का क्यूब क्या हुआ 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर क्या है 4 इंटू 4 16 इंटू 4, अब 4 का क्यूब क्या होता है 64, या मल्टीप्लाई कर दो या सीधा 64 लिख लो अगर आपको क्यूब याद है। अब यूनिट नंबर पे हमने यहाँ पर डैश लगा दिया के नीचे, और जो 6 है जितने भी डिजिट यहाँ पर होंगे उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ पर इनको हम ऐड कर देंगे, 6 प्लस 4 10, 0 1 कैरी 9, यहाँ पर 390 आ गया। अब यहाँ पर 0 पे हमने ये डैश का साइन लगाया और 39 को हमने यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया, 8 प्लस 9 17, 7 वन कैरी 7, 3 10, 0 वन कैरी 807, 7 के नीचे हमने साइन डैश का साइन लगाया और 80 को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा 295। अब हमने 84 का क्यूब लेना है, ठीक है। ये जो फर्स्ट है यहाँ पर हमने कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, तो यहाँ पर पूरे डिजिट्स लेंगे 592, यहाँ पर 704, तो 84 का क्यूब क्या आ गया हमारे पास 592704, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये जो शॉर्टकट मेथड जो आपकी बुक में दिया गया है क्यूब का, वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।